घर में बरकत नहीं होती, ये 21 काम बनते हैं गरीबी का कारण। क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? ऐसा लगता है कि घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। तमाम कोशिशों के बाद भी घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ऐसे में बता दे कि वास्तु शास्त्र में इसके कुछ बड़े कारण बताए गए हैं। दरअसल कई बार व्यक्ति की गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिससे धन की हानि होने लगती है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन से वो कारण हैं जिससे घर से दरिद्रता नहीं जाती। तो आइए जानते हैं। एक, जिस घर में नल से लगातार पानी टपकता रहता है, उस घर में भी धन नहीं टिकता। अगर आपके जल निकासी की व्यवस्था वास्तु के अनुसार नहीं है, तो भी आपको कंगाली से जूझना पड़ता है। आपके घर से पूर्व या उत्तर की ओर पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे सुख समृद्धि आती है। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक कराएं। दो, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले से भी धन हानि होती है, अतः इससे बचने के लिए घर के हर कोने की साफ सफाई रखें और मकड़ी के जाले न जमा होने दें। तीन, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए, इससे घर में खुशहाली आती है। चार, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। पाँच, घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, इसको पैर से नहीं छूना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। छह, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती है। सात, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए, भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। आठ, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नौ, गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। दस, सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है, इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ग्यारह, घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। बारह, धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है, इससे घर में गरीबी आती है। तेरह, हिंदू धर्म में पूजा, जप, व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। चौदह, कहा जाता है कि जिन लोगों के घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, उन घरों की आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती है। इसलिए प्रयास करें कि आपके घर पर बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। पंद्रह,
कठोर बोलने वाले धीरे धीरे सभी से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। साथ ही जिनकी बोली में मिठास नहीं होती उनके पास माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये आदत घर पर भी कलह क्लेश का कारण बनती है। 16. शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं। ये आदत आपको आलसी भी बनाती है, साथ ही जीवन की सुख समृद्धि में बाधा बनती है। 17. घर में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। 18. वही घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। 19. घर के कंगाली को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पौधे के आसपास सफाई रखें। शाम के समय तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएं। 20. घर में किसी प्रकार का टूटा हुआ बर्तन या टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अनिष्ट की संभावना होती है और तंगहाली बनी रहती है। 21. घर में खुशहाली लाने के लिए कभी भी घर में बंद घड़ी को न रखें, क्योंकि बंद घड़ी से आपकी किस्मत बंद हो जाती है और घर में धनागमन रुक जाता है, जिससे गृह क्लेश बढ़ जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।